हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 5th इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर और लेसन नंबर 5 एमएस वर्ड। चलो देखते हैं उसमें क्या है एमएस वर्ड में। तो एमएस वर्ड इज द पार्ट ऑफ अ लार्ज सॉफ्टवेयर कॉल्ड एमएस ऑफिस। फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द एमएस ऑफिस। अब क्या है कि एमएस वर्ड है ना, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, उसका एक पार्ट है। ठीक है बच्चों, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, उसके भी कई सारे एप्लीकेशन है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, पहला तो हमारा हो गया एमएस वर्ड, दूसरा हमारा एमएस एक्सेल, तीसरा एमएस पब्लिशर, तीसरा एमएस आउटलुक, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस। तो टोटल हम करें तो 5-6 जितने ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके पार्ट्स है। ठीक है, उसके एप्लीकेशन है, साथ साथ जैसे कि प्लस है तो मेनी मोर सॉफ्टवेयर भी उसी में आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि और भी उसमें सॉफ्टवेयर हो गए। अब देखते हैं यहाँ पे एक बच्चा कुछ कह रहा है, आई टाइप टेक्स्ट ऑन कंप्यूटर एंड फॉर्मेट इट ब्यूटीफुली यूजिंग एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैं ना एमएस वर्ड में बहुत ही अच्छा टाइप करता हूँ और उसका जो फॉर्मेट होता है ना वो भी बहुत ही अच्छा होता है, ब्यूटीफुल होता है, ऐसा कह रहा है वो। चलो देखते हैं वो क्या है। वर्ड इज टेक्स्ट एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो वर्ड है ना वो एक टेक्स्ट एडिटिंग और फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि हम टेक्स्ट को भी एड कर सकते हैं और फॉर्मेट को भी उसमें, यानी कि उसका जो फॉर्मेट होता है ना, लिखने का ढंग, वो भी हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड। इट हैज़ बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए। ठीक है, उसका डिजाइनेशन है ना, यानी कि उसको जो बनाने का प्रोसेस है वो किसने किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है ना जो यूएसए में आई हुई है, उसने किया है। फॉर टाइपिंग टेक्स्ट ऑन कंप्यूटर एंड फॉर्मेटिंग इट। ठीक है, और क्यों बनाई है, तो कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग करने के लिए और उसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए। एमएस वर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ड इन इट शॉर्ट। ठीक है, तो एम एस वर्ड है ना, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, उसको शॉर्ट में हम सिर्फ वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या है एम एस वर्ड में। स्टार्टिंग एम एस वर्ड, ठीक है, एम एस वर्ड को किस तरह से स्टार्ट किया जाता है, तो चलो देखते हैं। परफॉर्मिंग द फॉलोइंग स्टेप टू स्टार्ट द एम एस वर्ड। ठीक है, फॉलोइंग स्टेप से हम एम एस वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। दूसरा है क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम में जाना है। फिर तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, और चौथा स्टेप है क्लिक ऑन द वर्ड 2013। ठीक है, 2013 का जो वर्ड है उसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ऑन गोइंग सो द वर्ड फोल्डर इंटरफेस विल ओपन। ठीक है, वर्ड का एक फोल्डर होगा जो हमारे सामने होगा। सिलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन टू गेट अ न्यू विंडो। ठीक है, और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है ताकि हमारे सामने एक खाली विंडो आ जाए, ब्लैंक विंडो आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013। ठीक है, 2013 माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं। द वर्ड 2013 विंडो इज डिवाइडेड इनटू द वेरियस पार्ट। ठीक है, 2013 का जो वर्ड है ना, उसके विंडो है ना, उसमें कई सारे पार्ट में डिवाइडेशन हमें देखने को मिलेगा। लेट अस लर्न अबाउट देम इन डिटेल। चलो देखते हैं उसकी डिटेल में। टाइटल बार, ठीक है, उसका टाइटल बार किस तरह से है। द टाइटल बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ विंडो, इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट, द वर्ड कंट्रोल बटन आर ऑल्सो लोकेटेड ऑन दिस टूल बार। टाइटल बार की बात करते हैं बच्चों, तो टाइटल बार होता है ना वो वर्ड के सबसे पहले बार में से है। ठीक है, सबसे पहले वो आता है और उसके अंदर डॉक्यूमेंट का जो भी नेम होता है ना वो हमें दिखाया जाता है। साथ साथ हमें अगर वर्ड को बड़ा छोटा या को बंद कर देना है ना, उसके तीन ऑप्शन हमें वहीं पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, द क्विक एक्सेस टूल बार इज लोकेटेड ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द टाइटल बार, इट कंटेन अ शॉर्टकट टू फ्रीक्वेंटली यूज कमांड्स। बाय डिफॉल्ट अनडू रीडू एंड सेव अपीयर ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। तो अब बात करें तो हम क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है, वो क्या होता है, वो टाइटल बार में एकदम लेफ्ट साइड में होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं। ठीक है, और उसमें है ना कई सारे जो कमांड्स होती है ना उसकी शॉर्टकट की हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि बात करें तो अनडू है, रीडू है, सेव है, ऐसी हमें कई सारी और भी शॉर्टकट जो पोजीशन है ना वो हमें देखने को मिलती है। आगे देखें रिबन। ठीक है, तो चलो देखते हैं रिबन क्या है। द रिबन इज द लोकेटेड बिलो द टाइटल बार, इट हैज टू पार्ट टैब्स एंड ग्रुप्स। ठीक है, तो रिबन की बात करते हो, रिबन क्या है, तो रिबन होता है ना वो टाइटल बार में होता है,
उसके दो पार्ट होते हैं टैब्स और ग्रुप्स, ठीक है। रिपीन है, उसके कितने पार्ट होते हैं? उसके दो पार्ट होते हैं टैब्स और ग्रुप्स। चलो देखते हैं, रूरल, तो रूरल की बात करते हैं। देयर आर टू रूरल्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। द हॉरिजॉन्टल रूरल इज यूज टू मेजर द विड्थ ऑफ द पेज एंड सेट द मार्जिन एंड इंडेशंस। द वर्टिकल रूरल इज यूज टू मेजर द हाइट ऑफ द पेज, ठीक है। अब बात करें तो रूरल की, तो रूरल क्या होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रूरल है ना, वो पेज की विड्थ यानी कि उसकी जो चौड़ाई होती है ना, उसको नापने के लिए काम आता है। और जो उसका वर्टिकल रूरल होता है ना, यानी कि जो खड़ी पाई, ठीक है, वो उसकी जो लंबाई होती है ना, लेंथ होती है, उसको मेजर करने के लिए यूज़ होता है। समझ में आ गया बच्चों? हमें दो टाइप के रूरल देखने को मिलेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल यानी कि खड़ी पाई, ओके। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। इट इज वेयर यू टाइप, फॉर्मेट एंड एडिट द टेक्स्ट, ठीक है। डॉक्यूमेंट एरिया उसको कहा जाता है जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंट, जो भी आपको लिखना है, टाइप करना है, ठीक है, आप उस जिसमें भी आपको ऐड करना है, जो भी आपको फॉर्मेट चेंज करना है ना, उसी सारे पार्ट को कहते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। अब देखते हैं स्टेटस बार। द स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो, ठीक है। स्टेटस बार कहाँ पे होता है? तो स्टेटस बार होता है ना, वो डॉक्यूमेंट के लास्ट में होता है। इट डिस्प्ले द नंबर ऑफ अ पेज, नंबर ऑफ वर्ड्स, जूम ऑप्शन एंड व्यू ऑप्शन, ठीक है। तो स्टेटस बार में क्या होता है, वो हमें पेज के नंबर बताता है, कौन से पेज में अभी है, ठीक है, और टोटल कितने पेज होते हैं डॉक्यूमेंट्स में, वो भी बताता है। साथ साथ नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, अब तक हमने कितने नंबर वर्ड्स है वो लिख लिए, वो काउंट करके दिखाता है। जूम ऑप्शन भी वहाँ पे देखने को मिलता है और व्यू ऑप्शन भी हमें वहीं से देखने को मिलता है। अब देखते हैं स्क्रॉल बार। देयर आर टू स्क्रॉल बार, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो स्क्रॉल बार होते हैं ना, वो भी दो टाइप के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल यानी कि खड़ी पाई और हॉरिजॉन्टल यानी कि टेढ़ा। वर्टिकल स्क्रॉल बार इज यूज टू मूव द विंडो अप एंड डाउन, ठीक है। वर्टिकल जो स्क्रॉल बार होता है ना, वो क्या करता है, वो हमें विंडोज को अप एंड डाउन करने में काम आता है, ठीक है। मैंने बताया था ना वर्टिकल यानी कि खड़ी पाई, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर पेज हमारा ये है तो हमें उसको मूव करवाना है, ठीक है, ऊपर जाने देना, तो क्या करना पड़ेगा, जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होगा ना, उसको हमें नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। जो वर्टिकल स्क्रॉल बार होगा ना, उसको हमें नीचे लाना पड़ेगा, ताकि क्या होगा, ये पेज है वो अपने आप ही ऊपर चला जाएगा, ओके। तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इज यूज टू मूव द लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल का यूज कहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड होती है, यहाँ पे राइट साइड होती है, तो हॉरिजॉन्टल का यूज कहाँ पे होगा, लेफ्ट से राइट तक जाने के लिए, या तो राइट से लेफ्ट तक जाने के लिए यूज होगा, ओके बच्चों। चलो आगे देखते हैं। एंटरिंग टैक्स, टू एंटर द टैक्स क्लिक इन द डॉक्यूमेंट एरिया, द कर्सर विल स्टार्ट ब्लिंकिंग एट दैट लोकेशन। स्टार्ट टाइपिंग टैक्स ऑन द रिएक्टिंग द राइट मार्जिन, द टैक्स ऑटोमेटिकली मूव ऑन द नेक्स्ट लाइन। टू टाइप द टैक्स इन अ न्यू पैराग्राफ, प्रेस एंटर की, यू कैन यूज एरो की टू मूव अराउंड द टैक्स। अब टैक्स एंटरिंग टैक्स की बात करते हैं तो जहाँ पर भी अभी हमारा जो कर्सर है ना, जो ब्लिंक कर रहा है ना, वहीं से हम अपना जो टाइपिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमने टाइपिंग करना कंटिन्यू शुरू कर दिया तो क्या होगा कि जो राइट वाला मार्जिन होगा, ठीक है, तो हम सबको पता है ये लेफ्ट है ये राइट है, तो राइट वाला मार्जिन होगा यहाँ पे। तो जैसे हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे ना, ठीक है, तो अभी हमें ना कुछ करने की जरूरत नहीं, ये कर्सर ही ऑटोमेटिकली हमारा जो वर्ड है ना, नया वर्ड, वो नीचे ला के रख देंगे, ठीक है। यहाँ से यानी कि हमारी जो लाइन, दूसरी लाइन है, वो भी शुरू हो जाएगी, हमें दूसरी लाइन में जाने की कोई ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, ओके। ये राइट मार्जिन है, उसका रिफ्लेक्शन होगा। आगे दूसरी बात करें तो क्या होगा, अगर आपको वापस पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली एंटर की को प्रेस करना है ताकि आप नई लाइन में आ जाएंगे, ओके बच्चों। चलो आगे देखते हैं। अब है सिलेक्टिंग द टैक्स, ठीक है, कोई भी टैक्स है उसको किस तरह से हम सिलेक्टिंग कर सकते हैं। देयर आर अ डिफरेंट वेज टू सिलेक्ट द टैक्स इन वर्ड, ठीक है। तो वर्ड में टैक्स को सिलेक्ट करने के कितने सारे तरीके हैं। टैक्स कैन बी सिलेक्टेड आइदर यूजिंग द माउस और द कीबोर्ड, ठीक है। तो टैक्स है वो दो टाइप से सिलेक्ट होता है, या तो हम माउस से सिलेक्ट करेंगे या तो कीबोर्ड से सिलेक्ट करेंगे। चलो देखते हैं सिलेक्शन यूजिंग अ माउस, ठीक है। तो माउस से हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। द स्टेप टू सिलेक्ट यूजिंग द माउस आर, ठीक है, माउस से सिलेक्ट करने के स्टेप नीचे तौर पर दिए गए हैं। चलो देखते हैं, वो प्लेस द इंसर्शन
पॉइंट वेयर यू वॉन्ट टू बिगिन योर सिलेक्शन, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें हमारा जो इंसर्शन पॉइंट है यानी कि जो माउस का कर्सर है ना, वहीं हमें जहाँ पर भी जिस सेंटेंस को भी सिलेक्ट करना है ना, उसके हमें आगे रख देना है। क्लिक एंड होल्ड एंड ड्रैग द माउस ओवर द टेक्स्ट टू सिलेक्ट। अब क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ पे माउस को क्लिक करना है, उसको क्लिक को दबाए रखना है और जहाँ तक हमें सिलेक्ट करना है उसको वहाँ तक माउस है वो ले जाना है, कर्सर है ले जाना है। When you have selected the text, release the mouse button. ठीक है, जब भी आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया तो आपको माउस बटन है उसको छोड़ देना है। तो सिलेक्टेड टेक्स्ट गेट अ हाईलाइट इन ग्रे कलर, ठीक है। और क्या होगा कि जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो चुका है ना, वो उसका कलर है वो चेंज हो जाएगा, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। द अदर वे टू सिलेक्ट टेक्स्ट यूजिंग अ माउस आर गिवन इन द टेबल बिलो, ठीक है। अब देखते हैं कि दूसरे और भी तरीके हैं जिसकी मदद से हम माउस है, ठीक है, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलो देखते हैं। अब वर्ड यानी कि सिंगल वर्ड है, उसको सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली उस वर्ड पे हमें डबल क्लिक कर देना है, सिंगल लाइन। जैसे ही हम लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, पूरी लाइन को ही सिलेक्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्लिक द सिलेक्शन बार टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन दैट यू वॉन्ट टू सिलेक्ट। अब पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ना उसी लाइन को सिंगल क्लिक करना है, ठीक है, ताकि पूरी की पूरी लाइन है ना वो लेफ्ट साइड वाली वो सिलेक्ट हो जाएगी। मल्टीपल लाइन, ठीक है, यानी कि हमें एक से ज्यादा लाइन को सिलेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्लिक एंड ड्रैग इन द सिलेक्शन बार टू सिलेक्ट द लाइंस, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, हमें क्लिक करना पड़ेगा, ड्रैग करना पड़ेगा सिलेक्शन बार में से, ठीक है, यानी कि हमें जितना भी चाहिए उतना सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखते हैं अ सेंटेंस, प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल की एंड देन क्लिक एनीवेयर इन द सेंटेंस। अब क्या करना पड़ेगा, हमें प्ले माउस है ना उसको प्रेस करना पड़ेगा और कंट्रोल की को दबाए रखना पड़ेगा, और क्या हमें जहाँ पर भी जितना भी सेंटेंस चाहिए ना वो अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं पैराग्राफ, पैराग्राफ को क्लिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें पहले है ना पूरे पैराग्राफ को क्लिक करना है, तो अगर हम कहीं पर भी है पैराग्राफ के बीच में है तो वहाँ से हमें ट्रिपल क्लिक करेंगे ना तो पैराग्राफ पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम आगे हैं तो क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करते ही वो पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं एंटायर डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट को क्लिक सिलेक्ट नहीं करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसी डॉक्यूमेंट में हमें आगे अगर होए या तो हम कहीं पर भी बीच में हैं तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली ट्रिपल क्लिक करना है ताकि पूरा का पूरा जो पेज है ना एंटायर डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा, या तो कंट्रोल प्लस ए करके भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। चलो देखते हैं रिमार्क्स में, टू डीसिलेक्ट क्लिक एनीवेयर ऑन द विंडो और प्रेस एनी एरो की ऑफ द कीबोर्ड। अब क्या करना पड़ेगा, हमें जो टेक्स्ट है उसको डीसिलेक्ट करना है, यानी कि जो सिलेक्ट किया हुआ है ना उसको हमें सिलेक्ट नहीं करना है, छोड़ देना है। तो या तो हम माउस से डॉक्यूमेंट के कोई भी दूसरे पार्ट में क्लिक कर सकते हैं या तो एरो की मदद से भी हम ये ऐसा कर सकते हैं। अब देखते हैं यूजिंग कीबोर्ड, हमें एक कीबोर्ड है उसकी मदद से किस तरह से सिलेक्शन करना है। चलो देखते हैं, सीधा ही एक टेबल दिया गया है तो उसकी मदद से हम देख लेते हैं। अ कैरेक्टर टू राइट ऑफ द कर्सर, ठीक है, ऐसे कैरेक्टर जो हमारे कर्सर की राइट साइड में है, ठीक है, यानी कि इस साइड में है, इस साइड में ये यहाँ पे हमारा कर्सर है और इस साइड में है जैसे कि ए बी सी डी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, शिफ्ट के साथ एरो की होती है ना ऐसी एरो की, उसको दबाए रखना है तो क्या होगा, ये सारे वर्ड्स हैं वो सिलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब लेफ्ट साइड वाला है तो हमें लेफ्ट वाला एरो की दबाना पड़ेगा, ठीक है। वन लाइन डाउन है यानी कि नीचे की लाइन भी सिलेक्ट करनी है उसके साथ, तो हमें डाउन एरो दबाना है, ठीक है। वन लाइन अब ऊपर वाली लाइन सिलेक्ट करनी है तो अप एरो दबाना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें जहां पर भी पैराग्राफ शुरू हो रहा है ना वहां तक हमें सिलेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो हमें जहाँ तक शुरू करना है, ठीक है, यानी कि करंट लाइन से हमें शुरुआत की लाइन तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ होम की प्रेस करनी पड़ेगी। अगर हमें एंड तक सिलेक्ट करना है तो हमें एंड की प्रेस करनी है, ठीक है। अगर हमें डॉक्यूमेंट की शुरुआत से सिलेक्ट करना है, ठीक है, यानी कि हम कहीं डॉक्यूमेंट के चौथे पांचवें पेज में हो गए, ठीक है, वहां से हमें फर्स्ट पेज तक सिलेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम, ठीक है, यानी कि ये हमारा घर कौन सा होगा, ये हमारा पेज का सब पहले पेज का पहला ही पैराग्राफ होगा, पहली लाइन होगी, पहला ही वर्ड लेटर होगा, ठीक है, वहां तक होगा, जबकि ये कौन सा होगा, ये कोई भी पेज में सिर्फ एक पैराग्राफ में हो सकता है, ठीक है, एक लाइन में हो सकता है। देखो यहाँ पे पूरा पेज का आ गया, अगर हमें डाउन में जाना है यानी कि लास्ट पेज का जो लास्ट लेटर है वहां तक सिलेक्ट करना है, जहां पर भी अभी हमें वहां से लास्ट पेज के लास्ट लेटर में सिलेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट कंट्रोल एंड, ओके,
और पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलो देखते हैं कॉपी टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट को किस तरह से कॉपी किया जा सकता है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेक्स्ट कैन बी कॉपी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कॉपी कर सकते हैं। द स्टेप टू कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, अब क्या है कि चलो देखते हैं कौन से स्टेप होते हैं एक से जगह से दूसरी जगह से हमें कॉपी करने के लिए। चलो देखते हैं स्टेप नंबर वन, सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू विश टू कॉपी, अब हमें ऐसे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसको हमें कॉपी करना है। नंबर टू, क्लिक द होम टैब इन द रिबन, होम टैब में आना है, रिबन बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है, उसकी जो रिबन होती है वहाँ पे। नंबर थ्री देखते हैं, इन द चिप बोर्ड ग्रुप क्लिक द कॉपी ऑप्शन, ठीक है, चिप बोर्ड ग्रुप होगा ना वहाँ पे हमें कॉपी वाला ऑप्शन दिखेगा। स्टेप नंबर फोर देखते हैं, क्लिक एट द प्लेस वेर यू विश टू पेस्ट द टेक्स्ट, ठीक है, अब हमें वहाँ पे जाना है जहाँ पर भी हमें ये डेटा है वो पेस्ट करना है, ठीक है, यानी कि कॉपी करना है वापस। और लास्ट में स्टेप नंबर फाइव, क्लिक द पेस्ट ऑप्शन इन द क्लिप बोर्ड ग्रुप, ठीक है, और हमें क्या करना है जहाँ पर भी हम आ गए हमारे घर से वहाँ पे पहुँच गए तो पेस्ट कर देना है होम टैब में, क्लिप बोर्ड ग्रुप में पेस्ट वाला ऑप्शन होगा उसमें, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कॉपी वाला कॉपी पेस्ट है वो हो जाएगा। अब हम देखते हैं मूविंग टैक्स, ठीक है, टैक्स को किस तरह से मूविंग कर सकते हैं। तो सिंपली हमने जिस तरह से क्लिपबोर्ड में से कॉपी किया था उसी तरह से हमें क्लिपबोर्ड में से सिर्फ कट वाला ऑप्शन पसंद करना है, ठीक है, क्या ऑप्शन पसंद करना है, पहले हमने कॉपी किया था अब हमें सिर्फ कट वाला ऑप्शन पसंद करना है, बाकी पेस्ट तो हमें दोनों में ही करना है, ठीक है बच्चों, ये एकदम ईजी है। अब देखते हैं अनडू एक्शन, अनडू एक्शन यानी कि जिसको हम कंट्रोल जेड के फॉर्म में भी यूज करते हैं और रीडू एक्शन, ठीक है, चलो मैं आपको दोनों ही सिंपल में बता देता हूँ अनडू और रीडू क्या है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे नंबर लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 8, ठीक है, तो क्या हो गया, अब हमें ये पता चला कि 8 है ना वो हमने गलती से गलत लिख दिया था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लास्ट वाला एक्शन है ना, लास्ट में हमने 8 लिखा था, ठीक है, उसको हमें मूव करवाना है, ठीक है, हमने गलती से लिख लिया तो उसको निकाल देना, तो हमें करना पड़ेगा अंडू वाला ऑप्शन, क्या करना पड़ेगा अंडू वाला, जैसे ही अंडू वाला ऑप्शन करेंगे ना तो वहां से हमारा 8 वाला जो नंबर है वो निकल जाएगा, ओके, और वापस इस तरह से आ जाएगा। लेकिन अब हमें पता ये चला कि जो हमने 8 वाला नंबर निकाला था ना वो तो एकदम सही था, हमने प्रॉपरली ही लिखा था, तो वापस हमें वो 8 वाला नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रीडू वाला ऑप्शन होता है ना उसको सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर क्लिक करते क्या हो जाएगा, रीडू 8 वाला जो ऑप्शन है ना वो वापस आ जाएगा, ओके बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया अंडू और रीडू, ओके, जो आपने अंडू किया है ना सिर्फ उसी को आप रीडू कर सकते हो, लेकिन अगर आपने अंडू किया ही नहीं है तो रीडू नहीं हो सकता, ये आपको बात जो दिमाग होता है ना उसमें रख देनी है। चलो देखते हैं नेक्स्ट, अलाइनमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स का अलाइनमेंट कैसा होता है, टैक्स अलाइनमेंट इज द अरेंजमेंट ऑफ टैक्स विद इन द मार्जिन, बाय डिफॉल्ट द टैक्स इज लेफ्ट अलाइनमेंट इन वर्ड, बट यू कैन ऑल्सो चेंज द एलिजमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट। अब देखते हैं अलाइनमेंट में क्या होता है, अलाइनमेंट बच्चों ना उसमें टोटल चार टाइप के अलाइनमेंट होते हैं, ठीक है, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई और सेंटर वाला, चलो उसमें देखते हैं क्या है, ये आपको होम टैब में मिल जाएंगे, ठीक है, और होम टैब में जो पैराग्राफ वाला जो टैब होता है ना उसके अंदर आपको ये सारे के सारे जो अलाइनमेंट है ना वो मिल जाएंगे। चलो हम वन बाय वन करके देखते हैं, पहला है हमारा ये देख लीजिए, हमारा ये ओरिजिनल टैक्स है, ठीक है, अब हमने लेफ्ट अलाइनमेंट को पसंद किया है, ठीक है, तो लेफ्ट हमारी ये साइड होती है, तो क्या होगा कि सारा का सारा टैक्स है ना वो एक साइड आ जाएगा, समझ में आ गया बच्चों। अब हम देखते हैं राइट अलाइनमेंट, ठीक है, यहाँ पे हमें अंडू और रीडू की शॉर्टकट की दी गई है, अंडू के लिए कंट्रोल जेड और रीडू के लिए कंट्रोल वाई, ओके, तो ये आपको याद रह गई होगी। चलो देखते हैं, अब ये है हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट, अब राइट अलाइनमेंट देखते तो क्या होगा, राइट साइड में सब लोग एक इकट्ठा हो जाएंगे। अब देखते हैं सेंट्रल अलाइनमेंट, तो नाम से ही अलाइनमेंट अपने आप हो जाएगा, देखो ये क्या हो गया, ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, अभी लेफ्ट मार्जिन में है, ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड में ही सारा टेक्स्ट,
सेंटर पर क्लिक करते क्या आ जाएगा, दोनों में दोनों साइड जगह हो जाएंगी और सेंटर में वो टैक्स आ जाएगा। अब जस्टिफाई की बात करते हैं, ठीक है। जस्टिफाई अलाइजमेंट, देखिए बच्चों ये क्या हो गया, ये हमारा टैक्स है, यहाँ पे देखो थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ पर भी थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ पर भी थोड़ी सी स्पेस है, लेकिन अभी भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, जबकि ये दिल्ली वाला वर्ड है वो इधर आराम से समझ आएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि हम जैसे ही जस्टिफाई पे ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो टैक्स है ना वो दोनों साइड इक्वल कम जगह रखेगा और टैक्स को भी अच्छा बना देगा, ठीक है, यानी कि जस्टिफाई करेगा अच्छी तरह से, न्याय करेगा सबके साथ। तो ये है उसके अलाइजमेंट, टोटल चार टाइप के होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। ओके, अब देखते हैं राइट इंडेंटिंग टैक्स, ठीक है, कोई भी टैक्स है उसको हम किस तरह से इंडेंटिंग कर सकते हैं, हमें यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, लेफ्ट इंडेंटिंग और राइट इंडेंटिंग, ठीक है, उसमें भी देख लेते हैं कौन सा होता है लेफ्ट इंडेंटिंग टैक्स। देखो जब भी हमने टैक्स जो अलाइजमेंट किया था ना उसके ऊपर ये होते हैं राइट जो होते हैं ना ये सारे इंडेक्टिंग वो होते हैं, ठीक है, थीके? उसमें देखते हैं क्या, ये रहा पहला है ये हमारा राइट इंडेक्टिंग। तो राइट इंडेक्टिंग की बात करें बच्चों तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये सारा वर्ड है, ये हमारी करंट पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पर भी जगह रहे, यहाँ पर भी जगह है। अब जैसे ही हम राइट इंडेक्टिंग करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा टैक्स है ना वो थोड़ा सा राइट साइड की तरफ चला जाएगा, ठीक है, यानी कि वो हमें बताएगा कि हमारा टैक्स है ना वो राइट साइड की तौर से लिखा गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब देखते हैं लेफ्ट इंडेक्टिंग, तो क्या होगा कि लेफ्ट इंडेक्टिंग में हमारा जो सारा टैक्स है ना वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं चेंज द इंटरलाइन स्पेस, ठीक है, अगर हमें जो इंटरलाइन होती है ना उसको चेंज करना है तो किस तरह से हम कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारा कुछ स्टेप यहाँ पे दिखाया गया है, चलो देखते हैं। उसमें स्टेप नंबर वन है सिलेक्ट द टेक्स्ट टू बी फॉर्मेट, ठीक है, हमें जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट है उसको सिलेक्ट करना है पहले। फिर नंबर टू कहाँ पे जाना है, क्लिक द लाइन स्पेसिंग, ठीक है, ऑप्शन हमें लाइन स्पेसिंग ऑप्शन होता है ना उसमें जाना है। तीसरा स्टेप है सिलेक्ट द डिजायर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, ठीक है, और हमें वहां से क्या करना पड़ेगा, हमें जो डिजायर लाइन ऑप्शन होता है यानी कि दो लाइन होती है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज, ठीक है, और उसी के नीचे लिखा गया है सिलेक्ट द टेक्स्ट, तो इन दोनों के लाइन है, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो जगह है ना वो कितनी होनी चाहिए, वही है हमारा इंटर लाइन स्पेसिंग, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 1.5, 1.50, 1.15 to 2.5, ये सारे लिखे गए हैं, ठीक है, थीके? तो उस तरह से हम क्या कर सकते हैं उसमें स्पेस है वो रख सकते हैं। अब देखते हैं रिजल्ट में द इनर लाइन स्पेसिंग ऑफ द टैक्स गेट अ चेंज, ठीक है, और क्या होगा कि जो अंदर की लाइन होगी ना उसका जो स्पेसिंग होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमें दिखा गया कि ओरिजिनल टैक्स, देखो बच्चों ओरिजिनल टैक्स में कितनी कम लाइन है, ठीक है, जैसे ही हम चेंज करते हैं ना तो वो ये सारी जगह है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, ओके, और जो ओरिजिनल लाइन स्पेसिंग होती है ना वो कितनी होती है, वो 2013 का जो वर्ड होता है ना उसमें 1.08 होती है, कितनी होती है 1.08 उतनी डिफॉल्ट होती है। अब हम देखते हैं सेटिंग द पेज मार्जिन, ठीक है, पेज मार्जिन होता है ना उसको हम किस तरह से सेट कर सकते हैं, तो पहले हमें ये पता चल जाएगा कि ये कौन सा बार है, ठीक है, ये कौन सा मार्जिन है, तो ये हमें पता चल गया हॉरिजॉन्टल मार्जिन है, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल तो खड़ी पाई होती है। एमएस वर्ड पेज मार्जिन आर सेट यूजिंग द हॉरिजॉन्टल रूलर, ठीक है, तो एमएस वर्ड में पेज मार्जिन होता है ना वो हॉरिजॉन्टल रूल से भी हम सेट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रूलर हैज लेफ्ट मार्जिन इंडिकेटर टू सेट द लेफ्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन इंडिकेटर टू सेट द राइट मार्जिन, तो एमएस वर्ड में भी दो मार्जिन अभी हमें देखने को मिलेंगे कि लेफ्ट साइड वाला मार्जिन होगा वो हमें बताएगा कि हमें लेफ्ट साइड में सेटिंग करना है और राइट साइड वाला जो मार्जिन होगा वो हमें बताएगा कि हमें राइट साइड में सेटिंग करना है, ताकि हम दोनों मार्जिन को चेंज करके जो पेज होता है ना उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसका मार्जिन है वो सेट कर सकते हैं। अब देखते हैं
सेटिंग द लेफ्ट मार्जिन, ठीक है। अब हम देखते हैं लेफ्ट मार्जिन को किस तरह से सेट कर सकते हैं। स्टेप नंबर वन, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन लेफ्ट मार्जिन इंडिकेटर। अब हमें क्या करना है, जो लेफ्ट मार्जिन ऑप्शन होता है ना, ठीक है, जो इंडिकेटर होता है ना, वहां पे हमें क्लिक करना है माउस से। नंबर टू, ड्रैग द माउस टू द लेफ्ट और राइट, और हमें माउस है उसको या तो लेफ्ट साइड में ड्रैग करना है या तो राइट साइड में करना है। जैसे कि जैसे ही माउस को हम रखेंगे ना इधर, तो ऐसे एरो आ जाएगा। अगर हमें मार्जिन को कम करना है तो हमें लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा, मार्जिन को बढ़ाना है तो राइट साइड में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम एमएस वर्ड में क्या कर सकते हैं, जो मार्जिन है वो चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे, देखो ये है हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट। और क्या हो गया, जैसे ही हमने मार्जिन को बढ़ा दिया यानी कि राइट साइड में मैं गया, तो क्या हो गया कि टेक्स्ट है वो इतनी जगह भी रखेगा और उसमें हम कुछ लिख भी नहीं सकते। अब देखते हैं सेटिंग द राइट मार्जिन। तो जिस तरह से हमने लेफ्ट मार्जिन को देखा था उस तरह से राइट मार्जिन भी होता है, ठीक है। तो जैसे ही मार्जिन पर क्लिक करेंगे तो एरो इस तरह से आ जाएगा। अगर हमें मार्जिन को बढ़ाना है तो लेफ्ट साइड में जाना है, कम करना है तो राइट साइड में जाना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे पहले टेक्स्ट इतना था, ठीक है, यहाँ पे कुछ कम ही जगह थी, लेकिन मार्जिन बढ़ा दें क्या हो गया, यहाँ पे जगह भी बढ़ गई। ओके बच्चों, अब देखते हैं चेंजिंग द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब हम पैराग्राफ का जो फॉर्मेट होता है वो किस तरह से चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कैन बी चेंज यूजिंग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूल, ठीक है। तो पैराग्राफ के जो भी हमें चेंजेस करने हैं ना, उसको भी हम जो फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं ना, जैसे कि फर्स्ट लाइन इंडेक्ट मार्क होता है, ठीक है, जैसे कि पैराग्राफ की पहले लाइन का मार्क कितना होता है, ठीक है, फिर है लेफ्ट इंडेंट मार्क, ठीक है, तो लेफ्ट साइड कितना मार्क रखना है वो है, और लास्ट में है हैंगिंग इंडेंट मार्क, ठीक है, और हैंगिंग इंडेंट मार्क होता है, और ये है हमारा राइट इंडेंट मार्क। तो इन चारों की मदद से, ठीक है, एक दो तीन और ये चारों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ का सेट कर सकते हैं, ठीक है, उसका फॉर्मेट है वो चेंज कर सकते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।